नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज एक ऐसा स्टॉक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिसने एक बाउंस बैक दिया है मंथली चार्ट पे, और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है। और बाउंस बैक देने के बाद डेली चार्ट पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढने को मिली है, हमें देखने को मिली है कि वहाँ से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग छोटा सा कर लें निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद में हम लोग स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि निफ्टी हमारा है वो एक ट्रेंड में जोन कर रहा है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन है, उसी के आसपास यहाँ पे एक नई जर्नी यहाँ पे यही देख घूम रहा है। और एक ब्रेकआउट यहाँ पे अपन को देखने को मिला था, लेकिन वो ब्रेकआउट ये अटेम्प्ट टू फेल हो गया। यानी कि आज के दिन अगर निफ्टी कि इस कैंडल पे, आज की कैंडल पे, 6 मार्च की कैंडल पे अगर ये इसको ब्रेक कर देता, इसको ब्रेक कर देता और अपनी जो अपॉर्चुन जो क्लोजिंग है वो नियर 22,500 के नज़दीक हो जाती, तो फिर एक अच्छा लेवल हमारे लिए बन जाता। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके अपने निफ्टी ने इसके नीचे 22,500 के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी, और वहीं दी है जस्ट 2 दिन पहले एक एग्ज़ाम्पल मिला था रेड कैंडल के साथ, ये वाला 2 मार्च का जो था इसने डोजी बनाया। वो अलग बात है कि आज निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, वो एक अलग बात है, 50% आज निफ्टी ऊपर चढ़ गया वो एक अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली अपन को उसमें क्लोजिंग देखने को उम्मीद थी कि क्लोजिंग आ जाएगी ऊपर 22,500 के, लेकिन अटेम्प्ट टू फेल एक बार दोबारा यहाँ से निफ्टी जहाँ था वहीं है। यानी कि चलो प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, पर प्राइस चढ़ गया, थोड़ा ऊपर चढ़ गया, लेकिन अपन को तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के ऊपर ही अगर क्लोजिंग आएगी तो ही अपन ये मान के चलते हैं कि अपना जो मोमेंटम है वो अपसाइड है। नीचे का लेवल है वो इंटैक्ट रहेगा कि एज ये वाला 2,800 तक का, और ऊपर की तरफ से ये एक नया आज हाई बना दिया, तो उस नए हाई के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि नया हाई हमारा जो बना है वो आज के दिन 22,497 रुपये का हाई बना है। तो अगर ये 500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो ये बेस्ट था। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि अपन प्राइस सेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी का जो प्राइस सेक्शन क्या बोल रहा है डेली चार्ट पे, ये बोल रहा है कि निफ्टी है वो एक हायर हाई रेंज के अंदर जा रहा है। अब हायर हाई रेंज के अंदर तो जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन एक परफेक्टली ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी एक परफेक्टली ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा, बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं ऊपर से, तो एक बार हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये तो एक निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस था, अब हम करते हैं स्टॉक एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतना सारा ये मान के चलिए ढेर सारा प्यार दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब करने में कमी रख रहे हो आप, और आप ना ही लाइक कर रहे हो। तो आप सबसे उम्मीद करूंगा कि एक बार ज़रूर मेरे इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद उसको देखोगे तो काफ़ी आपको देखने में आनंद आएगा। दूसरी बात ये बताता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपको भी प्राइस सेक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता रहे। और एक और बात ये आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा। तो एक बार उम्मीद करता हूँ कि नोटिफिकेशन आप उसका एक बार ऑन कर दीजिए, उससे बेनिफिट आपका ये होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए कि हाँ आज के दिन वीडियो नया आया है, तो आप उसको देख सको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 काम मैंने आपको बताए हैं आप ज़रूर से ज़रूर करोगे। तो चलिए हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारा जो आज का स्टॉक है वो पॉलीकैप, ये पॉलीकैप का चार्ट है, और इस चार्ट को मैं इस तरीके से करता हूँ। ये देखिए, ये एक चार्ट है, लिस्टेड हुआ था अप्रैल 2019 में, और लिस्टेड हुआ था ओनली फॉर 622 रुपये की प्राइस से लिस्टेड हुआ था, और उसके बाद स्टॉक धीरे 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 करके पहुँच गया लगभग 5,757 का हाई बनाया। 5,757 का हाई बनाने के बाद स्टॉक करेक्ट हो गया और नीचे आ गया लगभग 3,800 के लेवल पे। तो फिलहाल ये मतलब एक ये अगर इसमें अपॉर्चुनिटी अपन ढूंढते तो कहाँ इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक बार इसका मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको पॉलीकैप,
देखिए पॉलीकैब कितनी बड़ी कंपनी है, 73,000 करोड़ की पॉलीकैब कंपनी है और इसके ऊपर मात्र कर्जा है वो 213 रुपये का कर्जा है। 73,000 करोड़ की कंपनी, कर्जा है 213 रुपये। इसका जो अपन ये बात करें, इसका आरओई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% अप्रॉक्सीमेट, आरओई इसका 20% है। और उसके बाद आरओसी देखना है मेरे को, तो आरओसी देखना 27%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13%। तो ओवरऑल अपन ये बात करें कि कंपनी है वो ग्रोथ वाली कंपनी है। ठीक है, अब अपन सीधा चलते हैं इसके क्वार्टर टू क्वार्टर पे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखिएगा, इसकी जो सेल्स है वो 2020 में थी 2700 करोड़ की, और आज सेल्स बढ़ के इसकी दिसंबर 2023 में हो गई है 4300 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 13% का था, आज भी 13% का है, लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 350 से 1570 हो गया। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर धीरे धीरे यहाँ पे आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे नहीं जा रहा क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट ही नहीं है, तो कर्जा कहाँ से होगा। अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2020 के अंदर 264 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, और आज कंपनी 417 करोड़ पे एक नया इसने लाइफ टाइम हाई बनाया। 417, सॉरी इससे पहले 430 करोड़ था, तो 417 का अभी तक बनाया TTM, यानी कि ये दिसंबर का क्वार्टर है, दिसंबर का क्वार्टर है, एक क्वार्टर और आना भी बाकी है। लेकिन इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू ईयर अपन काउंट करें तो ये देखिएगा कि 89 करोड़ का प्रॉफिट था 2014 में, और उसके बाद टिल 12 मंथ TTM का है आज 1678 करोड़। तो ये देखिए कितना मल्टीप्लाई, कितना 2x की बात, यहाँ 20x हो गया, यहाँ से लगभग लगभग यहाँ से 20x हो गया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कंपनी के अंदर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हम उसको अच्छी तरीके से काम में लेते हैं तो, उसमें बने रहते हैं तो। कंपनी के पास जो प्रमोटर के पास जो स्टैक है वो 65% का, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 13% का है। तो ये देखिए काफ़ी एक, मतलब ये हमें एक मोटिवेशन देने वाली स्टोरी है कि इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं हम अपना पैसा लगा डालेंगे तो ये काफ़ी बड़ा पैसा हमें दे देगा। अब देखिए मैं इसके अंदर एक EMA लगा रहा हूँ, ये वाला EMA मेरा 200 का EMA है, ये वाला EMA मेरा 200 का EMA है। और 200 का EMA हमें ये बताता है कि अगर किसी भी स्टॉक के नीचे, किसी भी EMA के नीचे, 200 EMA ऑन मंथली चार्ट, किसी भी मंथली चार्ट के नीचे अगर 200 EMA के नीचे कोई भी प्राइस अगर क्लोज हो जाती है तो फिर इसका जो अपसाइड मोमेंटम है उसका वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए क्या किया कि स्टॉक एक 5700 का हाई बनाने के बाद, करेक्ट और करेक्ट होने के बाद, जस्ट इसका एक सपोर्ट लेके, एज इट इज इसका एक सपोर्ट लेके स्टॉक वापस बाउंस बैक हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अगर 3000 के लगभग या 4000 के लगभग हमारा अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है, ये तो क्या होता है कि ये तो उन लोगों को मिलता है ये जो बहुत लकी होते हैं। दूसरी बात इसमें ये होता है कि आप लेवल को वॉच कर रहे होते हैं, आप लेवल को वॉच कर रहे होते हैं कि किस टाइम ये मेरा लेवल आएगा, किस टाइम EMA यहाँ पे टच करेगा, तो एग्जैक्ट मैं वहीं पे ही अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा और कुछ नीचे का स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। तो जिस लोगों ने, जिन्होंने भी 3900, 4000 या फिर 3800 के लेवल पे जिन्होंने भी खरीदा है, उनका आज अच्छा पैसा यहाँ पे बन रहा है। लेकिन अब लोग ये कहेंगे कि यार अब हम तो क्या है कि इसमें एंटर कर नहीं पाए, तो आज कोई नई अपॉर्चुनिटी है क्या इसके अंदर? तो देखिए आज भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आप इसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। मंथली चार्ट को हम लोग डिनाई करके हम लोग डेली, सॉरी मंथ, वीकली चार्ट पे आएंगे, तो वीकली चार्ट पे भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा मेरे को। तो मैं सीधा चलता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे यहाँ पे हम लोग कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। वन बाय वन करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। मैंने एक लेवल बनाया 4494 रुपये का, यहाँ से इस लेवल पे, यहाँ पे इसने सपोर्ट मिला एग्जैक्ट। दूसरी बात, ये 21 जुलाई का सपोर्ट मिला, फिर ये सपोर्ट मिला, और ये भी एक सपोर्ट, तीन, यानी कि तीन सपोर्ट यहाँ मिल गए। उसके बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहा तो रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्शन आया, दोबारा फेस करने की कोशिश की, दोबारा नहीं रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पे स्टॉक वापस करेक्ट हो गया। उसके बाद धीरे 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 करके यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। तो हमें ये क्या बनाना है, हमें ये बनाना है अब इसका डिमांड जोन, हमें इसका ये बनाना है डिमांड जोन। तो मैंने यहाँ पे ये छोटा सा डिमांड जोन आपके सामने बना दिया है, और डिमांड जोन बनाने के बाद देखिए एग्जैक्ट यहाँ से क्या हुआ, एग्जैक्ट यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और स्टॉक वापस उसी के ऊपर चल पड़ा। लेकिन ये मान के चलिए, ये तो एक टेम्प, ये तो एक, ये मान के चलिए कि
ये एक शार्प करेक्शन था, और उसके बाद ये नीचे ये जो डिमांड जोन बना हुआ था, इस डिमांड जोन के मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन हुआ था ये। गैप डाउन होने के बाद स्टॉक ने वापस अपसाइड मूवमेंट करने की कोशिश करी, फिर धीरे धीरे करके वो तो ऊपर आना ही था। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी, आज स्टॉक खड़ा है लगभग लगभग 4800-4900 लेवल पे खड़ा है, तो आज अपन क्या करें इसके अंदर? तो यहाँ पे मेरे को एक और यहाँ पे जोन दिखाई दे रहा है। इस जोन को मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जोन कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ ये देखिए, एक्सेप्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये वाला जोन देखिए आप, ये वाला आप जोन देखोगे तो ये मान के चलिए ये भी एक डिमांड जोन था। डिमांड जोन को एग्जैक्ट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, डिमांड जोन का एग्जैक्ट इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये एक यहाँ से इसको रीटेस्ट कर रहा है। दूसरी खास बात ये थी कि ये एक लेवल था मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये देखिए, ये एक लेवल था, पहले से ये डिफाइन था, और यहाँ पे आने के बाद में स्टॉक ने क्या करा, स्टॉक ने कुछ इस तरीके से डेली चार्ट पे कुछ इस तरीके से करा। ये एक, ये मान के चलिए ये एक अच्छा साइन होता है, यहाँ बार बार कंसोलिडेशन मोड में होता है तो ये एक अच्छा साइन होता है, एक अच्छा ब्रेकआउट, हेल्दी ब्रेकआउट देने के लिए। तो अल्टीमेटली इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आ ही गया, और ब्रेकआउट आने के बाद एग्जैक्ट उसने रिटेस्ट किया, और अब ये ऊपर जाने के मूड में है। तो ऊपर जाएगा, कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का गेम है सारा का सारा। सर्टेनिटी इज नॉट पॉसिबल, तो सर्टेनिटी इसमें कुछ नहीं है, अनिश्चितताओं का खेल है, और सारा का सारा खेल है वो प्राइस एक्शन का है। हर लोग अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो सारी की सारी, यानी मान के चलिए एक प्लेन चार्ट पे होती है। तो आप, मैंने आपको प्लेन चार्ट करके बताया कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड की मूवमेंट है वो एक अच्छी मूवमेंट हमें दे सकता है। अपसाइड की मूवमेंट है वो ऑल टाइम हाई 5733 रुपये तक हम ये दे सकता है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अपसाइड की ये जो जर्नी है, यानी कि लगभग लगभग ये 1000 रुपीज़ की जर्नी है, यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला। रेजिस्टेंस कोई भी, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा है तो भी ये मान के चलता हूँ कि वो ज़्यादा इतना कोई मेजर नहीं है, हम उसको मार्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब मैं इस स्टॉक्स के अंदर ये मान के चलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे बैठता हूँ, और यहाँ पे स्टॉक मुझे एक बेहतरीन एग्जाम ये दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। तो कुछ मेरा रिटर्न रहेगा वो ये मान के चलिए ऑल टाइम हाई तक मेरा वो वाला टारगेट इसमें रहता है, और ऑल टाइम हाई का टारगेट अगर मैं ये मान के चलूँ और फिर भी स्टॉक ना चले, अगर वापस बाउंस बैक हो जाए अपना अपने फॉर्म में, तो ये एक लेवल है 4600 का, 4600 रुपये का एक लेवल है, ये अपना स्टॉप लॉस है, 4600 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ये मार्क करके चलिए कि अगर स्टॉक इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हमें ये देखने को मिला कहीं ना कहीं, फिर इसमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि अभी अब हमें करना क्या है। लेकिन एग्जैक्ट इसी लेवल पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपन को दिखाई दे रही है, तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से उसको वापस बाउंस बैक ले ले। लेकिन अगर दोनों के अंदर, दोनों से ही ये स्टॉक अगर यहाँ पे नीचे आ जाता, मान लो ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया और ये अपने लेवल दिया 4650 का, इसको भी ब्रेकआउट दिया, तो फिर अपने को एक नीचे यहाँ पे इसको एक यहाँ पे सप्लाई जोन मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक होने की चांसेस हो। तो नीचे आने के चांसेस काफ़ी मेरे को कम दिखाई दे रहे हैं, अब तो ये सिर्फ ऊपर ही जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका स्टॉक हो सकता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि ये मेरी किसी भी तरह की कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का बाई और सेल करते हो तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ही कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि ये हमारा कोई भी किसी भी तरीके का मोटिव नहीं है कि हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये दे सकें, स्टॉक दे सकें। मेरा और मेरा ये स्टॉक वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल आपको एजुकेट करना है। तो ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई साहब इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्यार दीजिए बहुत सारा, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।